हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में लेक्चर थर्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमको पढ़ना है हम लोगों को फैमिलाइजेशन विद डिफरेंट टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट, मींस बायोगैस प्लांट कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बायोगैस, व्हाट इज बायोगैस, मतलब बायोगैस क्या है, ठीक है। इट इज क्लीन एंड इफिशियंट फ्यूल, यस बिल्कुल क्लीन और प्रभावी गैस है, ठीक है। इट इज मिक्सचर ऑफ, यह किससे मिलके बना होता है, मीथेन से, ठीक है। मीथेन कितना, मिनिमम तो 55% होगा लेकिन मैक्सिमम 65%, ठीक है। तो बायोगैस में बात आती है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आँख बंद करके मीथेन गैस पे टिक लगाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरा जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। वो कितना पाया जाता है, मिनिमम 30% और मैक्सिमम 40%, ठीक है। इट इज आल्सो कंटेंट्स ट्रेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसमें थोड़े अमाउंट में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये गैस इन सब चीज़ों से मिलके बनी होती है। बायोगैस प्लांट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट इन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। मतलब कि हमारे यहाँ दो प्रकार के बायोगैस प्लांट यूज होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दीज आर, ये कौन कौन से है, फ्लोटिंग डोम टाइप और फिक्स डोम टाइप, ठीक है। तो पहला क्या है, फ्लोटिंग डोम टाइप, और दूसरा है फिक्स डोम टाइप। तो इन दोनों को हमको डीपली पढ़ना है, ठीक है, कि ये क्या होता है, इसका वर्क क्या है, इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो आगे चलते हैं, फर्स्ट वन है हमारा फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट। फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट। इसको और किस नाम से जानते हैं, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट के नाम से और ये जाना जाता है, ठीक है। इसमें हम कौन सा मॉडल पढ़ेंगे, KBIC टाइप मॉडल, ठीक है। इसमें भी बहुत टाइप के मॉडल होते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट में कई मॉडल होते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है KBIC टाइप मॉडल, ठीक है। KBIC का फुल फॉर्म क्या है, खड़ी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। इसमें हमारा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें हमारा रॉ मटेरियल की कौन 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 सा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, फार्म्स ऑफ बायोमास लिस्टेड बिलो यूज अलॉन्ग विथ वाटर। जो बायोमास के फार्म्स हैं वो वाटर के साथ यूज होते हैं, वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। वो कौन कौन से है, एनिमल डंग्स, कहने का मतलब कि जानवर का गोबर, और दूसरा पोल्ट्री वेस्टेज, जो हमारा मुर्गी फार्म होता है उसमें के जो वेस्टेज निकलते हैं, जैसे कि मुर्गी का लेड़ी हो गया, जो उसमें हम दाने यूज करते हैं, नीचे बिछाते हैं, वो सब चीज़ें, मतलब पोल्ट्री से जो भी वेस्टेज निकलता है पोल्ट्री फार्म से, वो वाली चीज़ें, ठीक है। प्लांट वेस्टेज जैसे हस्क, भूसी हो गया, ग्रासेस मतलब घास, और बीड्स, ठीक है, खरपतवार, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती है। और फोर्थ वन क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज क्या है, सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा, ठीक है। वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो हमारे फूड प्रोसेसिंग होते हैं इंडस्ट्रीज, उसमें से जो वेस्टेज निकलती है वो सारी चीज़ें। डोमेस्टिक वेस्टेज क्या, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, ठीक है, जो सब्जियों के छिलके होते हैं वो, और वेस्ट फूड मटेरियल, जो हमारे खाने वाले पदार्थ है वो वेस्ट हो जाते हैं, वो वाली चीज़ें। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में हम बायोगैस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट कैसा होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम ये जानेंगे। द फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट है द फॉलोइंग चेम्बर या सेक्शन। इस टाइप के बायोगैस प्लांट में ये सब जो है कि सेक्शन या तो चेम्बर होते हैं, जैसे कि पहला हो गया हमारा मिक्सिंग टैंक,
अब मिक्सिंग टैंक जो है कि जमीन के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट एबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड के लेवल पे क्या रहता है, मिक्सिंग टैंक लगा होता है, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, डाइजेस्टर टैंक, डीप अंडरग्राउंड वेल लाइट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अंदर कुएं की तरह, कुएं की स्ट्रक्चर की तरह बना होता है, ठीक है, जमीन के अंदर कुएं की तरह बना होता है। इट इज डिवाइड इंटू टू चैम्बर बाई अ पार्टीशन वॉल इन बिटवीन, ठीक है, ये दो चैम्बर में डिवाइड होता है, ठीक है, एक पार्टीशन वॉल बना के, मतलब बीच में एक वॉल बना के, दीवार बनाकर इसे दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, दो भाग में। इट इज 3.5 to 6.5 मीटर इन डेप्थ, इसकी गहराई कितनी होगी, 3.5 मीटर से 6.5 मीटर गहरा रख सकते हैं, एंड 1.2 to 1.6 मीटर डायामीटर, ठीक है, इसका डायामीटर जैसे कुआं है उसका डायामीटर ये हो गया, ठीक है, तो वो कितना रख सकते हैं, 1.2 से 1.6 मीटर तक डायामीटर रहेगा, ठीक है, कहने का मतलब ये 3.5 से 6.5 मीटर गहरा हो सकता है, 1.2 से 1.6 मीटर इसका डायामीटर रहेगा, ठीक है। इट हैज टू लॉन्ग सीमेंट पाइप्स, इसमें दो लॉन्ग सीमेंट के पाइप लगे होते हैं, ठीक है, इनलेट पाइप ओपनिंग इनटू द इनलेट चैम्बर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ स्लरी, ठीक है, ये वर्ड स्लरी, स्लरी क्या होता है, जब हम बायोमास मटेरियल को पानी में मिलाते हैं तो वो क्या प्रिपेयर, जो प्रिपेयर होता है उसे स्लरी बोलते हैं, जैसे गोबर है, एनिमल्स डंग्स है, मतलब कि जानवर का गोबर है, उसमें हम पानी मिला दिए तो वो क्या हो गया तैयार, हमारा स्लरी तैयार हो गया, ठीक है। इनलेट पाइप ओपनिंग इनटू द इनलेट चैम्बर, जो इनलेट पाइप होता है वो इनलेट चैम्बर में खुलता है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ स्लरी, ठीक है, स्लरी को डालने के लिए जो हमारा इनलेट पाइप है वो इनलेट चैम्बर में खुलता है, ठीक है। ये हमारा पिक्चर है, ठीक है, फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट का ये स्केच है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, मिक्सचर मिक्सिंग टैंक, ठीक है, ये हमारा मिक्सिंग टैंक है, इसमें क्या करते हैं हम स्लरी को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो एनिमल का गोबर है और पानी को मिला के इसमें हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये हमारा इनलेट पाइप है, ठीक है, ये कहाँ गया, डाइजेशन चैम्बर में, ठीक है, डाइजेशन चैम्बर में गया, ठीक है, और ये हमारा आउटलेट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो स्लरी जब यूज हो जाता है तो यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है, ये हमारा डोम लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा डोम है, गैस होल्डिंग टैंक है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, गैस भरता है, और ये हमारा गैस वाल्व लगा हुआ है आउटपुट के लिए, ठीक है, जो सेकेंड है वो आउटलेट पाइप ओपनिंग इनटू द आउटफ्लो टैंक फॉर रिमूवल ऑफ स्पेंट स्लरी, ठीक है, जो स्लरी यूज हो जाता है, ठीक है, वो आउटलेट पाइप के माध्यम से आउटफ्लो होता है, ठीक है, और जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, अगला जो चैम्बर है वो क्या है, गैस होल्डर, ठीक है, एंड इन्वर्टेड स्टील ड्रम, कौन सा ड्रम, स्टील ड्रम, ठीक है, ये जो है हमारा स्टील ड्रम है, ठीक है, ये वाला चीज़ स्टील ड्रम है, ठीक है, एन इन्वर्टेड स्टील ड्रम रेस्टिंग एबव द डाइजेस्टर, ठीक है, जो स्टील ड्रम है वो डाइजेस्टर के ऊपर रहता है, द ड्रम कैन मूव अप एंड डाउन, ड्रम क्या कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है, फ्लोट ओवर द डाइजेस्टर, लाइक फ्लोट ओवर द डाइजेस्टर, जैसे कि वो डाइजेस्टर पे तैर रहा हो, ठीक है, जो ये हमारा ड्रम है, ये पूरा सेक्शन क्या है, डाइजेस्टर है, ठीक है, तो ये इस पर क्या कर रहा है, डाइजेस्टर पे ये तैर रहा है, जैसे लगेगा कि ये डाइजेस्टर पे तैर रहा है, ठीक है। द गैस होल्डर हैज एन आउटलेट, ठीक है, गैस होल्डर क्या, गैस होल्डर में एक आउटलेट होता है एट द टॉप, ठीक है, सबसे ऊपर ये गैस होल्डर में एक आउटलेट लगा हुआ है, ये चीज क्या है, आउटलेट है, ठीक है। द गैस होल्डर हैज एन आउटलेट एट द टॉप विच कुड बी कनेक्टेड टू गैस स्टोव्स, जो कि
कहाँ कनेक्ट होता है, गैस स्टोव से हमारे, ठीक है। जो गैस होल्डर में एक आउटलेट लगा होता है उसे हम अपने गैस स्टोव से कनेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन, अगला सेक्शन क्या है, ओवरफ्लो टैंक प्रेजेंट एबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। ओवरफ्लो टैंक कहाँ रहता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ओवरफ्लो टैंक, ठीक है। ये क्या है हमारा ओवरफ्लो टैंक, इसमें क्या होता है, जब हमारी स्लरी जो है यूज हो जाती है डाइजेस्टर में, तो ये ओवरफ्लो होके हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है। अब वर्किंग, जो हमारा फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस प्लांट है, वो प्लांट है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। स्लरी मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ बायोमास एंड वाटर, जो हम स्लरी प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, समान मात्रा में जितना, अगर हम जो है कि जैसे मान लो कि एनिमल का वो जानवर का गोबर है, जैसे कि हम मान लो कि 10 किलो डाल रहे हैं, तो पानी भी उसी रेशियो में डालेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना अगर जानवर का गोबर यूज कर रहे हैं तो उतना ही पानी भी यूज करेंगे, ठीक है। इक्वल क्वांटिटी बायोमास और वाटर का इक्वल क्वांटिटी यूज करना है। स्लरी इज प्रिपेयर्ड इन द मिक्सिंग टैंक, सबसे पहले क्या करते हैं, स्लरी को बनाते हैं कहाँ, मिक्सिंग टैंक में, ठीक है। उसके बाद द प्रिपेयर्ड स्लरी इज फेड इन टू द इनलेट चैम्बर ऑफ द डाइजेस्टर, ठीक है, थ्रू द इनलेट पाइप। जब हमारा स्लरी जो है कि मिक्सिंग टैंक में बन गया, तो उसे हम इनलेट चैम्बर में भेजेंगे, ठीक है, डाइजेस्टर में भेजेंगे, किसके थ्रू, जो हमारा इनलेट पाइप लगा हुआ है उसके थ्रू। सबसे पहले स्लरी प्रिपेयर करेंगे मिक्सिंग टैंक में, फिर उसे इनलेट पाइप के माध्यम से कहाँ भेजेंगे, डाइजेस्टर में, ठीक है, थ्रो इनलेट पाइप, इनलेट पाइप के माध्यम से। फिर नेक्स्ट क्या है, द प्लांट इज लेफ्ट, ठीक है। इतना करने के बाद द प्लांट इज लेफ्ट अनयूज्ड फॉर अबाउट 2 मंथ, ठीक है। जब हम स्लरी को इंट्रोड्यूस करा लिए, मतलब स्लरी जब हम डाइजेस्टर में भेज दिए, तो जो हमारा बायोगैस प्लांट है उसे 2 महीने तक बिल्कुल छोड़ दिए, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मोर स्लरी इज स्टॉप्ड, और स्लरी भी डालना बंद कर दिए, ठीक है। जब हम एक बार जो है कि स्लरी प्रिपेयर करके, मतलब मिक्स करके डाइजेस्टर में भेज दिए, तो 2 महीने के लिए बिल्कुल स्टॉप कर दिए, ना तो हम उसमें स्लरी डालें, मतलब कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में, इस 2 महीने के समय में क्या होता है, एन एरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस बायोगैस इन द डाइजेस्टर, ठीक है। इस 2 महीनों में क्या होता है, हमारा बायोमास गैस जो है, जो हमारा बायोगैस है वो प्रिपेयर होता है, ठीक है, प्रोड्यूस बायोगैस इन द डाइजेस्टर। डाइजेस्टर में हमारा क्या है, इन 2 महीनों में बायोगैस प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। फिर बायोगैस बीइंग लाइटर राइज अप, ठीक है, बायोगैस हल्का होने के कारण क्या होता है, ऊपर उठता है कहाँ, डाइजेस्टर में, ठीक है, डाइजेस्टर से ऊपर उठता है एंड स्टार्ट कलेक्टिंग इन द गैस होल्डर, और गैस होल्डर में इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। जो ऊपर हमारा जो वो गैस होल्डर बना हुआ था इस फॉर्मेट में, ऐसे फिगर में डाइजेस्टर के ऊपर, वो क्या होता है, उसमें जो हमारे गैस बन रही है डाइजेस्टर में, वो कलेक्ट होने, इकट्ठा होने लगती हैं। द गैस होल्डर नाउ स्टार्ट मूविंग अप, तो वो गैस होल्डर क्या है, जब उसमें गैस बन के गैस होल्डर में इकट्ठा होगा, तो गैस होल्डर जो है धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। नाउ द गैस होल्डर कैन नॉट राइज अप बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, जो गैस होल्डर है वो कुछ लेवल तक ऊपर उठेगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, एंड मोर गैस स्टार्ट कलेक्टिंग, जब और ज़्यादा गैस उसमें इकट्ठा हो जाती हैं, मोर प्रेशर बीइंग टू बी एक्सर्टेड ऑन द स्लरी, ठीक है, तब क्या होता है कि वो प्रेशर जो है स्लरी को पुश करती है, मतलब बाहर निकालती है, ठीक है, वो प्रेशर जो है स्लरी पे पड़ती है, जो हमारा यूज स्लरी जो हमारा था डाइजेशन में, डाइजेस्टर में, वो क्या है कि उस पर वापिस पड़ने लगते हैं, ठीक है। गैस होल्डर में हमारी बायोगैस जाके कलेक्ट हो गई, ठीक है, अब तब भी स्लरी के माध्यम से डाइजेस्टर में जो है कि बायोगैस बन रहा है, तो उस कंडीशन क्या होगा, वो स्लरी के ऊपर ही प्रेशर देने लगेंगी, ठीक है। फिर क्या होता है, द स्पेंट स्लरी इज नाउ फोर्स इनटू द आउटलेट,
चैम्बर फ्रॉम द टॉप ऑफ द इनलेट चैम्बर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारी स्लरी है वो फोर्सली आउटलेट चैम्बर को चली जाती हैं। कहाँ से? इनलेट चैम्बर से वो आउटलेट चैम्बर को चली जाती हैं। ठीक है, व्हेन द आउटलेट चैम्बर गेट्स फील्ड विद द स्पेंट स्लरी द एक्सेस इज फोर्स आउट थ्रू द आउटलेट पाइप इंटू द ओवरफ्लो टैंक। ठीक है, व्हेन द आउटलेट चैम्बर गेट्स फील्ड विद द स्पेंट स्लरी, जब हमारा जो स्लरी यूज हो गया है, ठीक है, उससे जब हमारा आउटलेट चैम्बर भर जाता है, द एक्सेस इज फोर्स आउट थ्रू द आउटलेट पाइप इंटू द आउटफ्लो टैंक। तो वो क्या होता है, वो आउटफ्लो टैंक में आउटलेट पाइप के माध्यम से चला जाता है। दिस इज लेटर यूज एज मैन्यूर फॉर प्लांट। बाद में जो हमारा ओवरफ्लो टैंक में जो हमारा स्पेंट स्लरी है, जो ये स्पेंट स्लरी है, जब ये ओवरफ्लो टैंक में इकट्ठा हो गया, तो इसे हम बाद में क्या कर सकते हैं, पौधों के लिए मैन्यूर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, मतलब खाद के रूप में बाद में इसे पौधे को दे सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, द गैस वाल्व ऑफ द गैस आउटलेट इज ओपन टू गेट सप्लाई ऑफ बायोगैस। ठीक है, अब हमारा गैस होल्डर में गैस भरा हुआ है, ठीक है, गैस होल्डर के ऊपर एक वाल्व लगा है जिसे हम गैस का सप्लाई लेने के लिए खोल सकते हैं। ठीक है, खोलते हैं। वंस द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बिगेन, जब एक बार बायोगैस का प्रोडक्शन चालू हो गया, अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गैस कैन बी इंश्योर्ड बाई रेगुलर रिमूवल ऑफ द स्पेंट स्लरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश स्लरी। कहने का मतलब ये है कि जब एक बार, ठीक है, बायोगैस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद रेगुलर क्या करना, हमें फ्रेश स्लरी जो है, कहने का मतलब जी जानवर का गोबर है और पानी, फ्रेश स्लरी तो यही हुआ ना कि जानवर का गोबर और पानी इक्वल अमाउंट में मिला करके अब क्या करना है, हमें बायोगैस प्लांट में देना है। ठीक है, और जो हमारा स्पेंट स्लरी है, जो मतलब कि डाइजेस्टर में जो स्लरी हम फ्रेश स्लरी डाले थे, वो डाइजेस्टर में तो डिकम्पोज हो गया, सड़ गया, तो अब क्या करना है, जब वो स्पेंट स्लरी जो है हमारे आउटलेट में आएगा, ठीक है, तो उसे क्या करना है, हटा देना है। ये प्रोसेस मतलब कि फ्रेश स्लरी को डाइजेस्टर में देना है और स्पेंट स्लरी को हटाना है। जब ये वाला प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा गैस जो है बायोगैस कंटिन्यू बायोगैस प्लांट में बनता रहेगा, ठीक है, जिससे हम रेगुलर इसको यूज कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में जो हमारा दूसरा है फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट, उसे कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।